इसका मतलब क्या है, हमने एलिमेंट जेड फाइव में कहां तक, जीरो से लेकर
अब हम वापिस
क्या है इक्वेशन?
होगी ही नहीं, हो ही नहीं सकती, क्योंकि ए बिलोंग टू क्यू प्लस में से है। तो इनवर्स क्या हो गया हमारा, फोर डिवाइड से प्रतियोग। ए का प्रतिलोम आ गया हमारा बी। अब इनवर्स की वैल्यू आ गई, और उसके बाद एक चीज और, फोर अपॉन ए की फॉर्म में है तो ये रेशनल नंबर परिमेय संख्या तो होगा ही, ये भी टू प्लस के अंदर हमारे सेट के अंदर बिलोंग करता है। उसके बाद वाई कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव के लिए कर्व के लिए मतलब के लिए क्या देखते हैं, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, यही देखते हैं ना, हमें लिया लेफ्ट हैंड साइड ए स्टार बी। ए स्टार बी का मतलब ए बी अपॉन में टू। अब जो ऊपर वाला ये सिंपल गुना ही था, सिंपल गुना तो हमें पता है कम्यूटेटिव होता है, हम लिख दें इसको बी ए अपॉन में टू। इसको टू गुना फोर करो या फोर गुना टू करो, एक ही बात है। इसको ये लिख सकते हैं ये कितना आ गया बी स्टार ए, बी स्टार ए को ओपन करने पर यही आएगा दोनों का प्रोडक्ट अपॉन बी टू, ये कितना आ गया राइट हैंड साइड, मतलब ए स्टार बी किसके इक्वल आ गया बी स्टार ए के लिए। फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू क्यू प्लस के लिए, इसका मतलब हमारा एग्जाम्पल सिक्स हमारा ग्रुप हो गया। इसमें हमने इसको ग्रुप दिखा दिया समूह, और ये अवेलेबल ग्रुप दिखा दिया, इसलिए क्यू प्लस ऑपरेशन स्टार क्या है, इस अवेलेबल ग्रुप या अवेलेबल समूह। हमने क्या क्या किया, प्रॉपर्टीज की यूज किया हमारी क्लोज जो हम पढ़ के आए हैं। क्लोज के लिए दो एलिमेंट है तो उनका ए स्टार बी उसके अंदर होना चाहिए, तभी आ गया। उसके बाद एसोसिएटिव के लिए राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड प्रूव कर दिए, इसको सॉल्व किया तो ये मिला, राइट हैंड साइड को सॉल्व किया तो ये मिला, इक्वल आ गया दोनों। अब आइडेंटिटी तक्समक ए स्टार बी ए के इक्वल, इनको सॉल्व करते गए